नमस्कार दर्शक बंधु, आज जानिबा अक्टोबर शेष एवं नवंबर प्रथम सप्ताह मध्य क्यों क्यों फसल लगे आग को जस्ट डिसेंबर सेत बेलू आमर भल रेट देजीव। आपण मैंने तो जानते डिसेंबर शेष रु जनवरी पंद्रह मध्य जो कोबीट बाहरी थाए से संपूर्ण सस्ताई जाए था। तेणु आम जदि ताकू देखि अन्न्य फसल नेबा तेबे कोबी शस्तार रक्षा पाई तो ने क्यों क्यों फसल तो प्रथम जानवा भल फसल मध्य तरबुज चाष। तरबुज चाष एक लाभजनक फसल, या आपण जदि बलरे लगे बलर जत्न करेंगे आपण प्रति एकर को एक लक्ष टा पर्यंत इनकम करेंगे। तीन रु षाठी दिन मध्य फसल, तेणु आपण चालीस दिन मध्य क्यों क्यों उपाय टी अवलंबन करें आपण को तरबुज चाष क्षति हम ना। आपण जदि सठिक परिमाण में जलचेचन करेंगे एवं से भल जत्न करेंगे, मानने शसकूट सब जत्न करेंगे, ठीक समय रे पानी देवे, तापर आपणकर जदि दलामाची रही कंट्रोल करेंगे, आपणकर फलमाची हो फलमाची कंट्रोल करें जदि करेंगे तेबे आपण को भल अमल देजीव। यही तरबुजटी आपण समय समय या आपणकर लार्वा जातीय पोक स्प्रे करेंगे। एमती चालीस दिन मध्य आपण यही सब जत्न करेंगे तेबे आपण को तरबुज चाष भल लाभ देजीव। द्वितीय फसल टी हला आम जदि कोबी नेबा, कोबी मध्य भल टंका देजीव, तथापि या समय समय या बहुत सस्ता ही जाए जहाँफल कि आम चाषी भाई माने संपूर्ण क्षति हो जाती। तेणु आपण कोबी बदल आपण जदि ब्रोकोली नहीं पारे एवं ब्रोकोली को सटीक परिचालन करें, माने कड़ाकुसा एवं सटीक बयस आपण सार प्रयोग एवं या जो पोक जदि आप कंट्रोल करें तेबे आपण को एकर प्रति अमल करें। तो कोबी जेतेबेले पूरा सस्ता ही थाए या किंतु एत्ते सस्ता हुए ना, चालीस रु पचास टंका मध्य रेट रही थाए। तेणु आम कोबी बदल ब्रोकोली को मध्य नहीं पारिबा जहाँफल कि आमर क्षति टो बची पारिबा। तेणु ब्रोकोली चाष मध्य एक लाभजनक फसल, आपण ब्रोकोली नियंतु या षाठी दिन में आपण षाठी दिन मध्य बा चालीस रु पैंचाश दिन मध्य बहुत जत्न करवाक पड़ता है। से सब जत्न जब आप करें ब्रोकोली मध्य आपण को भल लाभ दे जाए। तेणु आपण अंचल ब्रोकोली सेलिंग बा बिक्रय भल हो कि ना से प्रति टे ध्यान देवे। आपण अंचल जदि ब्रोकोली बिक्री हो पार ना तेबे आपण लगातु ना, जदि लगाऊँ आपण निकटस्थ बड़ सहर मानक जदि पटे पारे तेबे आपण ब्रोकोली मध्य नहीं पारे जहाँफल कि आपण कोबी रु क्षति बची आपण ब्रोकोली रे भल इनकम करें बा लाभ हो पारे। तेणु ब्रोकोली अक्टोबर शेष सप्ताह रु नवंबर प्रथम सप्ताह मध्य आपण या तली पकाई पारे एवं जदि पकई थे आपण या रही पारे जहाँफल कि आपण को डिसेंबर मास रे या बाहर जत बेले आपण को या भल अमल देजीव एवं आपण लाभ नहीं पारे। या छाड़ी आम जदि फूल गेंडु फूल लगे यही अक्टोबर शेष एवं नवंबर प्रथम सप्ताह मध्य तेबे गेंडु फूल आम प्रति एकर को एक लक्ष टकर अधिक इनकम कर। तेणु आम एति ध्यान देले आमर भल लाभ नहीं पारे। जदि आपण कठारे चार उपलब्ध होउची नवंबर रु डिसेंबर मध्य आपण
ପୋଟଳ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ପୋଟଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲାଭଜନକ ଫସଲ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଚାରା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ, ନଚେତ୍ ଏହା ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଡିସେମ୍ବର ଶେଷରୁ ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପୋଟଳ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରି ଚାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଫସଲଟି ହେଉଛି ଆପଣ ବିନ୍ସ, ରାଇକା ବିନ୍ସ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ରାଇକା ବିନ୍ସ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଜାଗାରେ ଟିକିଏ ଆପଣ ପ୍ରତି 5-6 ଦିନ ପାଣି ଦେବାକୁ ସୁବିଧା ହେଉଥିବା ଜାଗାଟି ଲଗାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଟିକିଏ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶୀ କାକୁଡ଼ି ବା କଣ୍ଟା କାକୁଡ଼ି ନେଇପାରିବେ। କଣ୍ଟା କାକୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଭଜନକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶୀତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଥିବ ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଶେଷଟି ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭ ହେଉଥିବା ଫସଲଟି ହେଉଛି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ନେଇପାରିବେ। ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଆପଣ ରଞ୍ଜା ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଏହି ବୁଦା ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ। ବୁଦା ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିଯିବ, ସେତେବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସରିଯାଇଥିବ ଏଇ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ, ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏହା ହେଉଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ତଥ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଛୋଟ ବା ବୁଦା ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ ସେହି ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଲିଆ ମାଟିରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି କଳା ମାଟି କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମାଟି ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷରୁ ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନେଉଥିବା ଏଇ 5ଟି ଫସଲ ନେବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଭଲ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏମିତି ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।